हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में। और आज आप ये जो केक देख रहे हो, आज दो दो खुशी है मेरे घर में, इसलिए मैं आज ये केक, हमारे यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा था, इस बच्चे का बर्थडे है आज। और ये देखो हमारा प्यारा सा किट्टू। किट्टू तो सैतानियाँ करता ही रहता है, इससे तो आप लोग मिल चुके हो। ये लड्डू बैठा हुआ है। और आज का जो मैंने थोड़ा सा ये जो ब्लॉग बनाया हुआ है, थोड़ी मैं आपके साथ पहले सुबह का ब्रेकफास्ट शेयर कर रही हूँ जो मैंने आज बनाया है, उसके बाद मैं आपके साथ केक कट करूंगी। तो आज हम देखते हैं आज हमने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। ये लिया है मैंने दलिया, दलिये को मैंने साफ कर लिया है। साफ करने के बाद ये कुकर मैंने चढ़ाया, कुकर में मैंने देसी घी डाला थोड़ा सा। देसी घी आजकल ठंड है इसलिए जम जाता है, तो उसको थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम हुई। देसी घी को निकाला। अब इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और फिर हम इस दलिये को इसमें डाल देंगे। दलिये को डालने के बाद धीमी धीमी आंच पर इसको थोड़ा सा भुनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। अभी देखो इस तरीके से ये ब्राउन हो गया है, बिल्कुल ब्राउन हो गया इस तरीके से। इसमें अब मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च और कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। ये आप वेट लॉस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसको अगर एक हफ्ते तक खाते हो तो आपका वेट लॉस होता है, 3 kg तो आराम से जाता ही जाता है। ये मैं अक्सर ऐसे बना के खाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है और ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होता है। इसमें आप मटर और गाजर डालिए, आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं आप उसको डाल सकते हो, गोभी भी डाल सकते हो, जो आपका मन करे सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। इसमें आप पालक भी डाल सकते हो। और आपने नमक डालना है अपने टेस्ट के अनुसार, और इसमें पानी ज़्यादा डालिएगा, जितना ये पतला होता है उतना अच्छा लगता है और गरम गरम ही इसको खाया जाता है। अब इसमें विसिल करने के लिए इसको रख देंगे, इसमें 2 सीटी कम से कम हो जानी चाहिए। मैंने बोला पानी इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये देखो हमारा बनके तैयार है, बिल्कुल दलिये की खिचड़ी भी बोल सकते हो, दलिये का पुलाव भी इसको बोल सकते हो। और इसको आप दही के साथ खाइए, दही के साथ खाते हो तो बहुत टेस्टी लगता है। भैया हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा? हैप्पी बर्थडे। आपको मेरा कैसा लगा अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ऐसे छोटे छोटे से मैं ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। और अपने कमेंट्स आप लोग प्लीज़ देते रहिएगा। और जिन्होंने जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। और रोज़ाना मैं अपने चैनल दीपिका माई फ्रेंड्स पर लाइव आती हूँ 4 बजे, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।